5,000 रुपए लगा करके 10,000 रुपए एक दिन में कमाया जा सकता है, और अगर एक्सपायरी का दिन है तो 5,000 लगा करके 20,000 भी कमाया जा सकता है। न जाने कितने महीनों से सोच रहा था, आज जाके मौका मिला है मुझे, और आपका भी शायद इंतजार आज खत्म हो गया। ऑप्शन ट्रेडिंग पर हमने जब जब वीडियो करा ना, हमारे को सबसे ज्यादा कमेंट यही मिला कि ऑप्शन ट्रेडिंग पर पूरी सीरीज बनाओ, वो भी देसी भाषा में, ऐसी भाषा में बनाओ जो कि समझ में आए। कम पढ़े लिखे भैया हमको ऐसे समझाओ एकदम सीधा दिमाग के नसों में घुस जाए। ज्यादा अंग्रेजी फारसी का इस्तेमाल ना करो, डेरिवेटिव्स ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करो, शुद्ध भाषा में बताओ ऑप्शन होता क्या है। तो चलो आज से हमने शुरू कर दिया, 20-25 वीडियो आएंगे ऑप्शन ट्रेडिंग पर, टकाटक एक एक कॉन्सेप्ट को टच करते हुए, डिटेल में घुसते हुए सब कुछ बात करेंगे। वैसे ऑप्शन ट्रेडिंग आज के टाइम में पॉपुलर कितना है जानते हो सर? 23 मार्च 2023 को फाइनेंशियल एक्सप्रेस में रिपोर्ट आई थी कि NSE जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, उसका 75% रेवेन्यू ऑप्शन ट्रेडिंग से आता है। यानी कि एक चीज तो समझ में आती है भैया, NSE का घर बार जो चल रहा है उसमें मैक्सिमम हिस्सा ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से आ रहा है। यानी कि बहुत बड़ा पॉपुलेशन, बहुत सारे लोग आज क्रेजी हैं, आज पागल हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। अब कुछ तो बात होगी ऑप्शन ट्रेडिंग में जो इतनी बड़ी जनसंख्या ऑप्शन ट्रेडिंग में लगी हुई है, हैं? तो आज हम बात करते हैं, लेकिन पहले डिस्क्लेमर दे दो भैया, ऑप्शन ट्रेडिंग एक रिस्की काम है। सेबी कहती है कि 10 में से 9 लोग यहां पर पैसा अपना लूज करते हैं, कमाते नहीं लूज करते हैं। बट मुझे उसका कारण लगता है कि शायद नॉलेज का ना होना, पेशेंस का ना होना, इमोशनल कंट्रोल का ना होना, जिसकी वजह से लोग पैसा लूज करते हैं। लेकिन साथ में ये भी समझिए कि 10% लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसा कमाते हैं। आखिर कुछ तो स्पेशलिटी है उन 10% लोगों में, कुछ तो खास है उन 10% लोगों में। जो 10% लोगों में है अगर हम वो सीख लें तो हम भी भैया 10% लोगों में आ सकते हैं। नहीं, वो चीज़ है इमोशनल कंट्रोल, नॉलेज, डीप अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट का। तो इस पूरे सीरीज में हम यही चीजें डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो कि बेसिक सेशन है, आज के सेशन में हम क्या सीखेंगे सर? हाउ टू बाय एंड सेल ऑप्शन, ऑप्शन को खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं, और सबसे बड़ी बात मोबाइल पे ये काम करके दिखाऊंगा लाइव, ठीक है? लो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग कैसे करी जाती है ऑप्शन में, ये हम सीखेंगे। नो कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स, ये सबसे बड़ी बात है भैया। ट्रेनिंग ट्यूटोरियल तो गूगल का जमाना है, हर जगह भरा हुआ है, लेकिन बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का इस्तेमाल किए हमको ऑप्शन ट्रेडिंग सिखा के दिखाओ तब हम मान जाए। करेंगे हम यही करेंगे, बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल किए ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखेंगे। तो अब मुद्दे पर आते हैं, स्टॉक ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग समझने के लिए हमने रिलायंस कंपनी का एग्जाम्पल ले लिया। रिलायंस की स्टॉक ट्रेडिंग को समझेंगे और रिलायंस की ही ऑप्शन ट्रेडिंग को समझेंगे। सर पहले ऑप्शन का मतलब समझ लेते हैं, फिर हम स्टॉक ट्रेडिंग पर आएंगे और ऑप्शन ट्रेडिंग पर आएंगे। सर ऑप्शन का मतलब समझने के लिए, अभी वर्ल्ड कप खत्म हुआ, वर्ल्ड कप के एग्जाम्पल से बढ़िया समझोगे आप। देखो वर्ल्ड कप रियली में जिस स्टेडियम में हो रहा था उस स्टेडियम में देखने के लिए वर्ल्ड कप का खर्चा कितना आता? 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 रुपए, है ना? एक आदमी वहां इतना रुपया लगा करके बैठता है स्टेडियम में, तब जाके वो वर्ल्ड कप देख पाता। लेकिन हमने आपने ऐसा किया क्या? हमने 300 रुपए का रिचार्ज करा है, वो भी एक साल के लिए, और 300 रुपए में हमने पूरा वर्ल्ड कप भले मजे से एकदम देख लिया। अच्छा क्या ऐसा हुआ कि हमने 300 रुपए दिया और एक आदमी ने 50,000 रुपए दिया होगा वहां बैठ करके, तो हमको कुछ गलत दिखा दिया होगा? वहां पता चले विराट कोहली ने छक्का मारा तो यहां हमको चौका दिख रहा है, ऐसा हुआ होगा? नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम जो वर्ल्ड कप उधर चल रहा था सेम टू सेम लाइव हमने अपने घर पर बैठ के देख लिया सिर्फ 300 रुपए के खर्चे में। इसको बोलते हैं सर ऑप्शन। जब आपके पास बड़ी चीज को यूज करने का या उसमें एंटर करने का मौका नहीं है या आप करना नहीं चाहते हो, तो छोटा सा पैसा दे करके उसका एक ऑप्शन हम निकाल लेते हैं, जुगाड़ समझो देसी में। सर मान लो जैसे 1 करोड़ के फ्लैट में रहने की आपकी इच्छा है, लेकिन 1 करोड़ रुपए है नहीं अपने पास कि हम 1 करोड़ के फ्लैट को खरीद सकें, तो हम 30,000 रुपए रेंट दे करके उस फ्लैट में तो रह सकते हैं। 1 करोड़ के फ्लैट का रेंट दिल्ली NCR में 30,000 रुपए, 30,000 रुपए दे करके पूरा लग्जरी एंजॉय करो 1 करोड़ रुपए का, उसको स्विमिंग पूल, जिम, क्लब जितना। अच्छा ऐसा तो है नहीं कि आप अगर रेंट पर रह रहे हो तो आपको भैया 4 लाइट की बजाय 2 ही लाइट आप जला सकते हो, ऐसा तो होगा नहीं। एकदम भरपूर सब कुछ एंजॉय करो, वही 1 करोड़ वाली चीज आपको 30,000 में मिल जाती है। तो सर इसको पते हैं ऑप्शन, देसी भाषा में समझो सर जुगाड़। स्टॉक में हमको ट्रेड नहीं करना है,
क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। क्यों पैसा नहीं है भी बताऊंगा। स्टॉक ट्रेडिंग महंगा होता है, बहुत महंगा होता है, हाई इन्वेस्टमेंट मांगता है। अब जैसे रिलायंस ऑप्शन का इतना समझ में आया, मतलब मैं डेरिवेटिव्स फेरिवेटिव्स कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड इस्तेमाल करना नहीं चाहता सर। ऑप्शन का मतलब समझो जुगाड़, एक बड़ी चीज का सस्ते में जुगाड़, ऑप्शन एक जुगाड़ है। ठीक, अब रिलायंस का हमने एग्जांपल लिया सर। रिलायंस का शेयर आज के समय में लगभग 2500 रुपए के आसपास घूमता रहता है, 2300, 2200, 2400 ऐसा, पिछले एक डेढ़ साल से इसी में घूम रहा है। तो हमने 2500 रुपए मान लिया, इन दिनों 2500 रुपए के आसपास का शेयर है ये, यानी कि, और ये रिलायंस का शेयर अगर 10% एक दिन में ग्रो कर जाता है, है? तो मेरे को सर कितना मिलेगा? अगर मैंने 2500 रुपए लगाए हैं तो मैं 250 रुपए कमा लूंगा अगर 10% ग्रो कर जाता है और एक शेयर अगर मैंने खरीदा है तो। यानी कि एक चीज तय है, अगर मेरे को सर 250 नहीं 2500 रुपए कमाना है एक दिन में और रिलायंस का शेयर 10% ग्रो करता है तो मेरा इन्वेस्टमेंट कम से कम 25,000 का होना चाहिए। 25,000 लगाऊंगा और 10% ग्रो हुआ, हालांकि 10% ग्रो होता नहीं है, 2%, 3%, 4%, लेकिन मान लेते हैं 10%, तब जाके मैं 25,000 लगा के 2500 कमाऊंगा। इसी तरीके से सर 50,000 लगा करके मैं 5,000 रुपए कमाऊंगा। ये सर स्टॉक ट्रेडिंग। अब सवाल ये आता है कितने लोग भैया 50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट लेकर के 5,000 रुपए कमाने के लिए आएंगे? बहुत कम। इसीलिए स्टॉक ट्रेडिंग लोग प्रेफर नहीं करते। लेकिन ऑप्शन में होता है जादू। ऑप्शन में, ऑप्शन जैसा हमने बोला जुगाड़, अच्छा जुगाड़ जब है तो जुगाड़ तो सस्ते में ही होता है, है? वर्ल्ड कप देखने का जुगाड़ हमने 10,000, 50,000, लाख रुपए का 300 रुपए निकाल लिया। 1 करोड़ में फ्लैट में अगर रहने की इच्छा थी और 1 करोड़ नहीं है तो हमने 30,000 में जुगाड़ निकाल लिया रेंट दे करके। ठीक, तो ऐसा ही रिलायंस का अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, इधर रिलायंस का स्टॉक ट्रेडिंग की बात कर रहे थे और इधर रिलायंस के हम ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करें तो सर, अच्छा ये सारी चीज़ें मैं मोबाइल पे करके भी दिखाऊंगा, डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इधर बोर्ड पे कर रहा हूँ, सब मोबाइल पे लाइव करके दिखाऊंगा जो बात कर रहा हूँ। सर रिलायंस का एक ऑप्शन 15 रुपये इसका आपको मिल जाएगा, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये का मिलेगा, हमने 15 रुपये भी करके दिखाऊंगा। 15 रुपये का एक ऑप्शन मिल जाता है। ऑप्शन क्या होता है सर? एक शेयर के बदले एक जुगाड़। क्या हुआ ऑप्शन क्या हुआ सर? एक शेयर के बदले एक जुगाड़। एक शेयर 2500 रुपए का है लेकिन उसका एक जुगाड़ यानी कि एक ऑप्शन अपने को 15 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन 15 रुपए तो प्रॉफिट भी तो कम होगा ना, प्रॉफिट तो यही वाला होगा। आओ समझाता हूं। अब 15 रुपए का एक ऑप्शन मेरे को मिल रहा है सर, तो क्या मैं एक ऑप्शन खरीद सकता हूं? नहीं। जब आप ऑप्शन की ट्रेडिंग में बात कर रहे हो ना, चाहे रिलायंस का हो या किसी भी स्टॉक का हो या किसी इंडेक्स का हो, निफ्टी का, बीएससी का, जिसका भी आपको करना हो, बैंक निफ्टी का, तो सर वहां पे लॉट चलता है। लॉट समझते होंगे ना, लॉट मतलब बल्क में। यहां पर आपको एक नहीं, एक लॉट खरीदना पड़ेगा। एक शेयर का ऑप्शन 15 रुपए का मिल गया तो यहां पर हर कंपनी के लॉट अलग अलग फिक्स हैं। जैसे रिलायंस के केस में 250 का एक लॉट मिलता है अगर आपको उसका ऑप्शन खरीदना है, यानी कि 15 × 250 कितना होता है सर? तकरीबन 3900। सर इसका मतलब एक चीज समझा, ये 250 शेयर हैं रिलायंस के, ये 250 स्टॉक हैं रिलायंस के, उन अच्छा डायरेक्टली मेरे को स्टॉक नहीं मिल रहा, उन स्टॉक का क्या मिल रहा है? जुगाड़। उन स्टॉक का क्या मिला? ऑप्शन। और अगर यही मैं 250 इधर खरीदने जाता सर और एक शेयर की कीमत है 2500, तो 2500 × 250 सर तकरीबन 6.25 लाख, 6.25 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना पड़ता। लेकिन मैं वही मजा, सेम टू सेम 250 स्टॉक का मजा सिर्फ 3900 रुपए में ले लूंगा। अब क्या प्रॉफिट 3900 रुपए में भी मुझे सेम मिलेगा 6.5 लाख रुपए वाला? हाँ जी, लॉस भी सेम मिलेगा, प्रॉफिट भी सेम मिलेगा। आप कहोगे ये कैसी बात है भैया, मतलब 6.5 लाख रुपए एक आदमी लगा रहा है और वही मजा, उतना ही प्रॉफिट स्टॉक के मूवमेंट पर मैं 3900 रुपए में कमा लूंगा? हाँ जी, हाँ जी सर, यहां पर 5,000 रुपए लगा करके 5,000 रुपए कमाया जा सकता है। 5,000 रुपए लगा करके 10,000 रुपए एक दिन में कमाया जा सकता है। और अगर एक्सपायरी का दिन है, बताऊंगा क्या होता है एक्सपायरी, और अगर एक्सपायरी का दिन है तो 5,000 लगा करके 20,000 भी कमाया जा सकता है एक दिन में। लेकिन यहां पर 6 लाख रुपए लगा करके 6 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते। 6 लाख रुपए लगा करके 12 लाख रुपए नहीं कमाए जा सकते।
तो मतलब यहां पर 6 लाख रुपए लगा करके कमाओगे आप बहुत छोटा सर, लेकिन यहां पर लगा करके छोटा कमाओगे सर मोटा। तो समझ रहे हो, जुगाड़ हमारा देश भैया जुगाड़ का देश है, हर चीज का जुगाड़ है, जो कामना हो पर जुगाड़। तो ऑप्शन भी मेरे हिसाब से एक जुगाड़ ही लीगल जुगाड़ है, कोई फर्जी ऐसी चीज नहीं है। ठीक है, एक चीज समझ में आ रही है। तो 6.5 लाख रुपए वाला काम 3900 रुपए में इधर अपना हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए तो कहते हैं 75% रेवेन्यू एनएससी का कहां से आ रहा है, ऑप्शन ट्रेडिंग से। इसीलिए जनता पागल है, लोग पागल है ऑप्शन ट्रेडिंग लिखा है। इसलिए इतनी बात अगर समझ में आ रही है और आप जल्द से जल्द ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो आपको एक ऑडियो बुक रिकमेंड करता हूं, ऑप्शन ट्रेडिंग गाइड। आप देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हो पुराने हो, यह ऑडियो बुक हर किसी के लिए यूजफुल है। और जिनको लगता है ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क है उनका भी कंफ्यूजन ये ऑडियो बुक अच्छे से दूर करेगी। इस ऑडियो बुक का कंटेंट इतना हेल्पफुल है वो इस बात से समझ में आता है कि इसे 1.6 मिलियन लोगों ने सुना है अब तक। मैं इस ऑडियो बुक को 5 out of 5 रेटिंग दूंगा क्योंकि ये ऑडियो बुक इतनी कमाल की है, ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग सिखाएगी बल्कि ट्रेडिंग से होने वाले रिस्क से भी बचना सिखाएगी। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा पेड सब्सक्राइबर्स हैं। पर्सनल फाइनेंस की बहुत सारी ऑडियो बुक कुकू FM पर अवेलेबल है जिनको सुनकर आप अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बना सकते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, मिडिल क्लास अमीर क्यों नहीं बन पाता। दरअसल उस वीडियो हमने बात करा था कि मिडिल क्लास कैसे कर्जे के जाल में फंसता चला जाता है फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने की वजह से। और उसी वीडियो में मैंने एक ऑडियो बुक आपको रिकमेंड किया था, 7 Money Rules, जिसे सुनकर आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर सकते हैं। और अभी तक अगर नहीं सुना तो उस ऑडियो बुक को जरूर सुनो। कुकू FM दे रहा है आपको 50% डिस्काउंट ऑन फर्स्ट मंथ सब्सक्रिप्शन, यानी कि 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक सुनने की कीमत सिर्फ 49 रुपीज। लेकिन इसके लिए आपको हमारा कोड SRS50 जरूर यूज करना होगा। ऐप डाउनलोड करने का लिंक और डिस्काउंट कोड हमने डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में डाल दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग में हाई इन्वेस्टमेंट की जरूरत है और ऑप्शन ट्रेडिंग में लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट से अपना ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। सर यहां पर मीडियम रिस्क है। मीडियम रिस्क क्यों है, जब आप कोई स्टॉक खरीद लेते हो ना तो उस स्टॉक की कोई वैलिडिटी नहीं होती है। जैसे हम मोबाइल पर रिचार्ज कराते हैं तो मोबाइल पर रिचार्ज कराए तो 28 दिन की वैलिडिटी 64 दिन की वैलिडिटी होती है ना, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, भले आपका डेटा रहे लेकिन फिर भी वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक वही चीज होती है सर ऑप्शन में। ऑप्शन जब आप खरीदते हो ना, यानी कि जुगाड़ खरीदते हो किसी भी शेयर का या किसी इंडेक्स का, मैं जुगाड़ बोल रहा हूँ भैया, जुगाड़ कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा लेकिन समझने के लिए तो जुगाड़ ही समझो, जुगाड़ ही है। यानी कि ऑप्शन आप खरीदते हो तो उसकी एक वैलिडिटी होती है, 1 हफ्ते की वैलिडिटी, 2 हफ्ते की वैलिडिटी। ठीक उस वैलिडिटी तक आपको बेचना पड़ेगा अगर खरीद लिया है, नहीं बेचोगे तो अपने आप वो बिक जाएगा, प्रॉफिट में हो या लॉस में हो उस तक उससे मतलब नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, मीडियम रिस्क मैंने क्यों बोला कि आप इसको होल्ड करके रख सकते हो, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती, एक बार खरीद लिया तो लाइफ टाइम तक आप अपने पास रख सकते हो। अब आज अगर 2500 आपने खरीदा है, घट करके 2200 रुपए का रेट आ गया, मतलब 300 के लॉस में आप आ गए, तो आप कोई हड़बड़ी नहीं है कि अभी बेचो, आप इंतजार कर सकते हो, 2500 में हम खरीदा है, जब तक 3000 जाएगा नहीं तब तक हम बेचेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रखे रहो। लेकिन यहां पर अगर आपने 15 रुपए का खरीदा है और 15 रुपए का 13 रुपए आ गया और एक्सपायरी आपकी 2 दिन की एक्सपायरी है, 1 हफ्ते की एक्सपायरी भी नजदीक आ रही है, तो आपको उसी 13 रुपए में बेचना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कह सकते हमको जब 16 रुपए होगा तब बेचेंगे ना, समझे। इसीलिए हाई रिस्क, ये रिस्क ज्यादा है। यहां पर आपको एक्सपायरी तक ही होल्ड कर सकते हो सर। एक्सपायरी जैसा, एक्सपायर का मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, एक्सपायरी वैलिडिटी खत्म हो जाना। तो हर ऑप्शन की एक वैलिडिटी होती है, इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होती है, आप होल्ड कर सकते हो, यू कैन होल्ड कितने भी टाइम तक। इसके लिए सर फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज चाहिए होता है। इसके लिए सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत होती है। आगे के सेशन में हम सीखेंगे फंडामेंटल क्या होता है, टेक्निकल क्या होता है। सो घबराना नॉट, बिल्कुल नॉट। ठीक, अच्छा सबसे बड़ा पॉइंट, यहां पर यूनी डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, यानी कि मार्केट बढ़ेगा प्राइस। अच्छा मार्केट का मतलब क्या होता है सर, मार्केट कहते हैं ना, मार्केट टूट गया, मार्केट गिर गया, मार्केट उड़ गया, सर मार्केट का होता है उस शेयर का प्राइस। अगर हम रिलायंस की बात कर रहे हैं, कहते हैं रिलायंस गिर गया, रिलायंस के गिर गया, मुकेश अंबानी थोड़ी गिर गया रोड पर, ऐसा नहीं होता है, मतलब रिलायंस के शेयर का प्राइस गिर गया तो हम कहते हैं रिलायंस गिर गया, या हम कहते हैं मार्केट गिर गया। तो मार्केट को रिप्रेजेंट करने वाला जो इंडेक्स होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, BSE, वो जब डाउन हुआ, उसका जब प्राइस गिरा तो हम कहते हैं बैंक निफ्टी टूट गया, इंडेक्स टूट गया, मार्केट गिर गया। मार्केट कहीं नहीं गिरता, मार्केट कोई आदमी थोड़ी लड़खड़ा गिर जाएगा रोड पर,
प्राइस गिर गया, लोगों के बोलने के तरीके, मार्केट टूट गया। अरे मार्केट कैसे टूटता है भैया, प्राइस गिर गया, असली मतलब ये होता है। ठीक, यूनिडायरेक्शनल का मतलब जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तभी आपका प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन यहां पर बाय डायरेक्शनल ट्रेडिंग होती है। सर जब शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो, और जब शेयर का प्राइस गिरेगा तब भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। मतलब 10 रुपए का खरीदा, अगर वो 15 हुआ तो भी प्रॉफिट में कमाऊंगा, अगर वो 5 हो गया 10 से तो भी प्रॉफिट कमाऊंगा, ऐसा क्या? हाँ जी, तो फिर लॉस क्या होगा, मैं तो हमेशा प्रॉफिट ही कमाऊंगा। लॉस इस केस में होगा चाचा कि आपको पहले ही बताना पड़ेगा, जब 10 रुपए का आप खरीद रहे हो ना तो उसी टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि आपका अजम्पशन क्या है, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे। आप बोलोगे भैया हमको लग रहा है ऊपर जाएगा, 12 रुपए होगा 10 का, लेकिन 10 के 8 हो गया तो आपका पैसा गया, आप लॉस में। लेकिन आपने पहले ही बोल दिया, नहीं भैया हमको तो पूरा यकीन है मार्केट नीचे ही जाएगा, 10 रुपए का 8 रुपए होगा ही होगा। अगर 10 का 8 हो गया तो आपका प्रॉफिट, लेकिन 10 का 12 हो गया 11 हो गया तो आपका लॉस। तो आप दोनों ही केस में कमाओगे, ऊपर जाने पर भी नीचे जाने पर भी, लेकिन पहले आपको बताना पड़ेगा। कैसे बताएंगे, आज हम मोबाइल पर दिखाएंगे आपको। ठीक, टेंशन नहीं, इतनी बात मेरी समझ में आ रही है सर। ठीक है, तो हमने जैसे बात करा बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल, सर करते क्या है? इसके लिए हमारे को दो ऑप्शन दिया जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो ऑप्शन दिया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, हाँ दो ऑप्शन, पुट और कॉल। जैसे हमने आपको बताया कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप मार्केट ऊपर जाएगा ये बोल रहे हो या मार्केट नीचे जा रहा है ये बोल रहे हो। कैसे बताएंगे? ये दो चीज़ें खरीद करके, जब आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि प्राइस बढ़ेगा उस स्टॉक का, उस ऑप्शन का, जिस भी आप कर रहे हो, रिलायंस के ऑप्शन में आप काम करना चाह रहे हो या किसी इंडेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी में करना चाह रहे हो, उसमें आपको ये बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? कॉल खरीद करके। ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो उस केस में आप पुट खरीदते हो। सर पुट खरीदते हो कब? जब लगता है नीचे जाएगा। कॉल खरीदते हो कब? जब लगता है ऊपर जाएगा। पुट मतलब कोई चीज हम पुट करते हैं नीचे, पुट मतलब नीचे रखते हैं ना, तो ऐसा समझो पुट। पुट मतलब कब? जब नीचे जाएगा मार्केट तब। कॉल, कॉल के लिए उठा रहे हैं ना, मतलब मार्केट जब उठेगा तब हम कॉल खरीदते हैं। याद रखने के लिए टेक्टिक, याद टेक्निक याद रख सकते हो। अब आते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ये सारी चीजें करते कैसे है जरा मोबाइल पर आपको लाइव दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं कर देता हूँ आपके फोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन, सो दैट कि आपको स्क्रीन दिख पाए। यस, अब मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं खोल लेता हूँ एंजल वन। हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको अनलॉक कर लिया। ठीक है सर, एंजल वन क्या है? आपको ट्रेडिंग करने के लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए होता है, तो कई सारे ब्रोकर्स अवेलेबल हैं, ब्रोकर ऐप इसको ब्रोकर कहते हैं। एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, या आप कोई और अगर ब्रोकर यूज़ करना चाहो ब्रोकर ऐप तो उसमें भी कर सकते हो। मैं एंजल वन यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने एंजल वन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो स्क्रीन पर चीज़ें आ रही है सर, बहुत सारी चीज़ें आ रही है, उस सबको उतना डिटेल में हमारे को नहीं समझना, अभी समझेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन मोटा मोटी अभी समझते हैं। हमने शुरुआत में किस चीज़ की बात करी थी सर? रिलायंस की ना, तो हम चलो रिलायंस की बात करते हैं। हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं रिलायंस, रिलायंस NSE। अब यहाँ पर देखो सर, रिलायंस का जो कॉस्ट आ रहा है वो स्टॉक का कॉस्ट है। ऊपर चीज़ें आप देख रहे हो यहाँ पर, सॉरी हट गया। यहाँ पर देखो सर, ऊपर जो 2300 रुपये आपको दिख रहा है, ये 2300 रुपये रिलायंस के स्टॉक की कॉस्ट है। हमको लेकिन स्टॉक में तो ट्रेड करना नहीं है, हमको रिलायंस के ऑप्शन में अगर ट्रेड करना है तो मैं क्या करूँगा सर, इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ ऑप्शन चेन पर क्लिक करो। ठीक है, ऑप्शन चेन पर जब मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर अब मेरे को प्राइस दिख रही है, किसका? ऑप्शन का प्राइस, स्टॉक का प्राइस नहीं, ऑप्शन का प्राइस। यहां पर प्राइस देखो सर, 3 रुपए, 75 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए, 15 रुपए। आप कहोगे इतना सारा प्राइस क्यों है सर? इतना सारा प्राइस इसलिए है, ये किसका प्राइस है? ये ऑप्शन का प्राइस है, स्टॉक का नहीं। ऑप्शन का मतलब क्या? जुगाड़, रिलायंस के शेयर का जुगाड़, यानी कि ऑप्शन। काहे गिर रहे हो भैया तुम? ठीक है, तो इतने सारे प्राइसेस क्यों है सर? यहां पर देखो, देखो यहां पे स्ट्राइक प्राइस लिखा हुआ है। सर स्ट्राइक प्राइस क्या हुआ है? रिलायंस के एक्चुअल शेयर की प्राइस कहां कहां तक जा सकती है सर? 2340 अगर जा सकती है, अगर आपको लगता है और उस टाइम पे आपको कॉल खरीदना है,
तो 15 रुपए 65 पैसा देना पड़ेगा। और उसी प्राइस पर जब प्राइस रिलायंस का उस समय जा रहा होगा उसी समय आपको अगर पुट खरीदना है तो 27 रुपए 20 पैसा देना होगा। सर 2320 रुपए जब प्राइस होगा तब खरीदोगे कॉल तो 8 रुपए 60 पैसा, तब खरीदोगे पुट तो 44 रुपए। इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये सब गणित होता है, मेन तो यही समझना है कि हम कौन सा खरीदें, कब खरीदें कि हम ज्यादा प्रॉफिट हो। ये सब आगे के सेशन में हम सीखेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, हम मान लेते हैं हमने ये वाला खरीदा सर 15 रुपए 65 पैसा वाला। अभी मार्केट क्लोज है, यहाँ पे कोई हलचल नहीं दिख रही है। अगर मार्केट ये लाइव होता तो यहाँ पे बड़ी हलचल हो रही होती, प्राइस चेंज हो रहा था, पकापक ऐसा करके। तो हमने सर इस पर क्लिक कर दिया 15 रुपए 65 पैसे वाले, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, हम आ जाते हैं सर बाय पर। नीचे बाय का बटन दिख रहा है, हमको सेल पर क्लिक नहीं करना है। सर सेल पर क्लिक करेंगे तो हम बन जाएंगे सेलर। हम यानी कि सेलर मतलब एक ऐसा चीज़ समझो सर जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सेलर का मतलब यूँ समझो कि सर एक टी शर्ट बेचना या एक टी शर्ट की दुकान खोलना में कितना बड़ा फर्क है। एक टी शर्ट की दुकान खोलने के लिए शायद आपको 10 लाख की जरूरत पड़ी, लेकिन एक सिंगल टी शर्ट रोड पे बेचने के लिए 200 रुपए की टी शर्ट है, 200 रुपए की टी शर्ट बेचने के लिए 200 रुपए का खर्चा। एग्जैक्टली इसी तरह समझो सर, अगर आपको सेलर बनना है यानी कि आप एक दुकान खोलने जा रहे हो और दुकान खोलने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, फिर 200, 300, 2000, 3000 रुपए नहीं होगा फिर, ठीक है। तो हमारे को सेल बटन पर क्लिक नहीं करना, हमारे को बाय बटन पर क्लिक करना है। तो हमने बाय बटन पर क्लिक कर दिया। अब यहां पर हमारे को देखो सर लॉट साइज डालना है, ठीक है। लॉट साइज, एक लॉट चाहिए, दो लॉट चाहिए, तीन लॉट चाहिए, और एक लॉट साइज देखो यहां पे लिख रखा है 250। हर शेयर का ऑप्शन का लॉट अलग अलग होता है। रिलायंस का 250 है, टाटा का कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा, निफ्टी का कुछ और होगा, बैंक निफ्टी का कुछ और होगा, जो जब वहां खरीदने जाओगे तो वहां पर दिखता है, ठीक है। तो मैं यहां पर डाल देता हूं सर 1। अब जैसे ही 1 डालते हैं नीचे देखो सर प्राइस दिखने लग गया 3900 रुपए। यही इधर लिख के दिखाया था मैंने, 3900 रुपए का आएगा सर। 3900 रुपए में मेरे को देखो 250 स्टॉक का मजा मिलने वाला है। बस सर फर्क इतना होगा इधर वाले में, अगर मैं रियल स्टॉक लेता, जुगाड़ नहीं लेता, तो उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती, अनलिमिटेड टाइम तक मैं रख सकता था। जब प्रॉफिट में आता तब मैं बेचता, नहीं प्रॉफिट में आता नहीं बेचता। लेकिन इधर एक वैलिडिटी मिलेगी 7 दिन की 14 दिन की, वो भी हम ही चूज करेंगे। आगे सेशंस में वो सब बताऊंगा कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, ज़्यादा लेना चाहिए कम लेना चाहिए, वो सब बताऊंगा, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। अब हम कर देंगे सर बाय बटन पर क्लिक। बाय बटन पर जैसे मैं क्लिक करूंगा, कन्फर्म करूंगा, तो ये हो जाएगा, खरीदा जाएगा। इसके लिए मेरे वॉलेट में पैसा होना चाहिए और इसके लिए मार्केट लाइव होना चाहिए, यानी कि 9:15 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक ही आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है इतना कुछ आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा कंक्लूड कर लेते हैं सर सेशन को। सेशन के कंक्लूड करने के लिए हमने बात आज जो डिस्कस करा, हमने एक चीज समझा सर, ये लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट, लेकिन साथ ही ये हाईएस्ट रिस्क के साथ भी आता है सर, हाईएस्ट रिस्क के साथ, ये ना भूलना, ठीक है। 10% लोग इसमें पैसा कमाते हैं, 90% लोग पैसा गंवाते हैं, लेकिन हाँ 10% लोग जो पैसा कमाते हैं वो सर नॉलेज की वजह से, अपने इमोशनल कंट्रोल की वजह से कमाते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें आप में कमी है तो आप भी 90% में आ जाएंगे, और ये 10% में हम कैसे आएँ इस पूरी सीरीज में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। बट हाँ, इसके लिए आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना ज़रूरी है, कोई भी आप ऐप यूज़ कर सकते हो। एंजल वन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हाँ, अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो एंजल वन पे, वहाँ पे एफ एंड ओ ऑप्शन जब आएगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, उसको टिक ज़रूर कर लेना। अगर उसको टिक नहीं किया तो आप, वैसे तो 2 दिन लगता है KYC होने में सर, 2 दिन के बाद और 2-3 दिन और लग जाएगा। तो आप जब पहली बार ही KYC कर रहे होगे, पैन आधार अपडेट कर रहे होगे, उस समय FNO टिक जरूर कर लेना। तो 2 दिन लगेगा, 2 दिन में KYC होके आप रेडी हो जाओगे ट्रेडिंग करने के लिए। मीनवाइल अब तक कुछ सवाल आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। सारे सवालों के जवाब इस पूरी सीरीज़ में हम कवर करने वाले हैं सर, कुछ नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ एकदम देसी भाषा में बताऊंगा, बिना कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज़ किए। तो आज के सेशन में अगर मज़ा आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए। बेसिक्स बात किया है सर, सिर्फ आज बेसिक बात किया है, कुछ हवा, कुछ बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड नहीं, ठीक है। और कुकू FM अगर डाउनलोड करना है तो डाउनलोड करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। SRS50 कूपन कोड जरूर यूज कर लेना, फर्स्ट मंथ
पे 50% डिस्काउंट लेने के लिए। तो मिलते हैं अगले सेशन में।